जब से अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत चीनी सैनिकों की तकरार की खबर सामने आई है, तब से इसी को लेकर सियासत गरमाई हुई है, इसी को लेकर चारों ओर चर्चा हो रही है। ये खबर केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी फैल रही है। चीनी सैनिकों ने सीमा के अंदर घुसने की नाकाम कोशिश की तो भारतीय सैनिकों ने उन्हें मिनटों में खदेड़ दिया। चारों ओर भारतीय सैनिकों के इस जज्बे को देखकर उनको सलाम किया जा रहा है। अब भारत चीन के इस मुद्दे पर अमेरिका का बयान सामने आया है। खबरों से पता चला है कि भारत और चीन का विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। उस कोशिश को भारतीय सैनिकों ने विफल तो कर दिया, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी नाजुक हैं। अब इस पूरे विवाद पर अमेरिका का पहला बयान सामने आया है। अमेरिका ने इस बारे में कहा है कि ये राहत की बात है कि दोनों ही सेनाएं पीछे हट गई हैं। बता दें कि इस पूरे विवाद पर अमेरिका ने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि समय रहते दोनों ही देश की सेनाओं ने डिसएंगेजमेंट किया और हालात को नियंत्रण में रखा। जारी बयान में कहा है कि इस बात की खुशी है कि दोनों ही सेनाएं समय रहते पीछे हट गईं, क्योंकि अगर ये मामला बढ़ता तो फिर ना जाने कुछ और भी हो सकता था। हम स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखे हुए हैं। हम दोनों भारत और चीन को बातचीत करने के लिए प्रेरित करते हैं कि वो इस मुद्दे पर बात करें। सीमाओं को लेकर जो भी तनातनी है, जो भी तनाव है, बातचीत के जरिए इसको सुलझाना चाहिए। इससे पहले चीन ने 9 दिसंबर की घटना पर अपना बयान जारी किया था। आक्रामक होने के बजाय चीन ने तब सिर्फ इतना कहा था कि भारतीय सीमा पर स्थिति स्थिर है। तो वहीं 9 दिसंबर वाली घटना की बात करें तो तवांग में भारतीय पोस्ट को हटवाने के लिए चीनी सैनिक आए थे। भारतीय जवानों ने देखा तो तुरंत मोर्चा संभाला और चीनी सैनिकों से जा भिड़े। इसका वीडियो भी सामने आया। भारतीय जवानों को भारी पड़ता देख चीनी सैनिक पीछे हटे। इस हिंसक घटना में 6 भारतीय जवान घायल हुए। चीन के कितने घायल हुए इस बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन बड़ी संख्या में उसके भी जवान जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि भारत को पहले से ही भनक थी कि चीनी तवांग की ओर बढ़ रहा है और वहां पर भारतीय पोस्ट पर कब्जा जमा सकता है। इस वजह से चीन की बड़ी सेना के सामने भारत की तरफ से भी बड़ी संख्या में जवान वहां तैनात कर दिए गए थे। नतीजा ये हुआ कि चीनी सैनिकों को मौके से खदेड़ दिया। जब इसकी खबर सामने आई तो हर भारतीय अपने सेना के जवानों को उनके जज्बे को सलाम करने लगा। तो वहीं इस मामले पर सरकार की ओर से कहा गया कि अभी के लिए जमीन पर स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ ने भी सदन में साफ कर दिया कि भारतीय सैनिकों की बहादुरी की वजह से चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।